नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। पटना के गांधी मैदान में आज नेशनल हैंडलूम एक्सपो लगाया गया है। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने इस मेले का उद्घाटन किया है। आपको हम मेले के अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से जो बुनकर हैं वो पटना के गांधी मैदान में पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इसकी खरीदारी भी करने पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? भैया मालिक गया कहिए, वो आ रहा है। आपको मालूम होगा ना आप? हाँ, कश्मीर से सर। कश्मीर से? हाँ सर। क्या क्या है आपके स्टॉल? हमारे पास शॉल, सूट, स्वेटर, कश्मीरी। रेंज इसका क्या है? शॉल हमारे पास 550 से स्टार्टिंग प्राइस, प्योर वूल में है। 550 रुपये से स्टार्ट है। और लास्ट कहाँ तक? लास्ट 1-1.5 लाख तक है पश्मीना, जो रियल पश्मीना होगा वो भी है सर। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये कश्मीर से आए हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लाए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? कोलकाता से। कोलकाता से क्या क्या है आपके पास? मेरा पास कुर्ती है, साड़ी है। और इसका दाम, प्राइस कितने से शुरू होता है? साड़ियाँ 600 रुपया से शुरू होता है। और सूट ये सब? 300 रुपया। 300 रुपये से। और भी है तरीके का? बहुत सारे तरीके का। हाँ, बहुत सारे तरीके का है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। कुछ और भी भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं भैया? थोड़ा सा आगे आ जाए भैया। बंगाल से। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हैंडलूम है, जमदानी है। और ये प्राइजेज ऐसी है सारी चीज़ों का? 800, 1000, 2000 सब टाइप का है, सारे तरीके का। हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? कश्मीर। कश्मीर से? यस, कश्मीर। क्या क्या है आपके पास? कश्मीरी शॉल है, सूट है, स्टॉल्स है, साड़ीज है, अलग अलग तरीके की वेराइटी है। अलग अलग तरीके का चीज़ है सारा। जी, जो श्रीनगर में बनता है वही है। प्राइस क्या है इस सारी चीज़ों का? अलग अलग प्राइजेज है, जैसे रियल पश्मीना हुआ उसका अलग प्राइस होता है, ऊन का जो आता है शॉल उसका अलग प्राइस होता है, 120 का ऊँट आता है उसका अलग प्राइस होता है, हर किसी का अलग अलग प्राइस है। तो आपके यहाँ स्टार्टिंग कितने से है? स्टार्टिंग हमारे पास सर आपको नियर अबाउट 1200 रुपीज़ से मिलेगा। 1200 रुपये से स्टार्टिंग मिलेगा, फिर जितना रेंज हो जाएगा 20,000, 15,000 ऐसा ही अलग अलग डिफरेंट रहेगा। साफ तौर पर सुन सकते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो आए हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पर क्या कुछ लेने आई हैं? अभी देख रहे हैं जो पसंद आता है वो। क्या लगता है कि जिस तरह? जी मैम, आप बताएं। नहीं, आज ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो का पहला दिन है, आज तो हम लोग घूमने आए हैं, देखते हैं कैसा क्या सामान है मेला में। निश्चित रूप से अभी ये मेला रहेगी 10 दिन, तो हम लोग ख़रीदारी करेंगे, पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक करेंगे कि सभी आए, सभी देखें, सभी खरीदें और हमारे बुनकर भाई बहनों का जो है हौसला अफजाई करें। साफ तौर पर सुन सकते हैं कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इनका इस मेले का उद्घाटन किया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उद्योग मंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, पहले आप वो सुने। मंत्री जी का जो सोच है उस लिए हमारे पूरे देश का एक दूसरे से मिला जुला और किसका हैंडीक्राफ्ट कैसा है उसके इसलिए अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। चलिए आइए। एक तो बात बढ़िया होगी सर, कितना फायदा होगा सर हस्तकरघा से जुड़े लोगों को? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, ये तो हमारी परंपरागत हस्तकरघा ऐसी चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से हमारा समाज इसका उपयोग किया है और खास करके हस्तकरघा या हस्तकला, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत या क्षेत्रीय विरासत हो या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो उसका ये एक बड़ा वाहक रहा है। हमारा जो बुनकर समाज है या हस्तशिल्प के द्वारा कई ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में आती है, तो वास्तव में हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि आज भी इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर समाज ने जीवित रखा है और कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक पहचान भी होती है। और भारतवर्ष इस मामले में
जो हस्तकरघा के जितने अलग अलग कंपोनेंट हैं सबों में भारत के कारीगर ने बहुत सिद्धता हासिल की है और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि हस्तकरघा से जुड़े जो उत्पाद हैं उसको अपनाएं और जो गांधी मैदान में यह एक्सपो लगी है उसमें निश्चित तौर पर भाग लें और यथासंभव अपने परिवार के लिए खरीदारी करें। 10 दिन के लिए लगा है, केंद्र सरकार से ये एक्सपो मिला था जो नेशनल एक्सपो पटना में लगा है। दोनों डिप्टी सीएम साहब और सभापति जी यहाँ पे आए हैं, मेयर डिप्टी मेयर हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी शुरुआत है, शाम तक पूरे पटना के लोग। तो आपको हमने अंदर मेले की भी तस्वीर दिखाई है और बुनकरों से आपको हमने बात भी कराया है कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और जो हाथ से बने सामान हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो पटना के गांधी मैदान पहुँच रहे हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।